फ्रेंड्स वेलकम टू अविदास किचन तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं मेरे सभी व्यूवर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी डिलीशियस एक खीर की रेसिपी लेकर आई हूं लेकिन आज इसे हम चावल या फिर चावल के आटे से नहीं बनाने वाले हैं इसे हम एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ बनाने वाले हैं है गोंदकतीरा जी हाँ ये गोंद की एक और फॉर्म है जिसे गर्मियों में खाया जाता है इससे हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है साथ साथ ही ये आपको एजिंग से भी बचाती है यानी कि आपके फेस पर झुरिया वगैरह रिंकल फाइनलाइंस वगैरह नहीं आने देती है और साथ ही आपके बालों को भी बहुत स्मूथ और शाइनी बनाती है तो बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है और इससे आज हम खीर बनाने वाले हैं तो वीडियो पसंद है तो वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा साथ इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं तो ये देखिए ये ना यहाँ पे दोनों तरह की गोंद मैंने रखी है ये होती है गोंद जिसे हम सर्दियों में खाते हैं और इसे ना हम घी में भून के खाते हैं और ये होता है गोंद का तीरा जो इस तरह के रॉक्स जैसे पत्थर जैसे आपको लग रहा होगा इसको हमें भिगोना होता है और उसके बाद हम इसको यूज करते हैं अपनी रेसिपी या खाने में तो ये देखिए इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था फ्रिज में भिगो के रखना है गर्मियों में वरना इसमें जो है ना महक आ जाती है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एकदम चांदी जैसा चमक लगता है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में भी तो इसमें जो पानी है वो हमें हटाना है तो यहाँ पे मैंने स्टेनर में इसको डाल दिया है थोड़ी देर डाल के रखेंगे तो इसका जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा और ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है ये देख सकते हैं आप तो चलिए खीर बनाने की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने उसे गरम कर लेंगे और उसमें हमें डाल देना है पोहा तो यहाँ करीब टू टेबल स्पून मैंने पोहा लिया है ज्यादा नहीं लेना है और इसका कलर नहीं चेंज करना है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे और उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है तो ग्राइंडर में डालेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर हमने बना लेना है तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे पीस लेना है तो इसे साइड में रखते हैं और तो वापस से वही पैन लिया है मैंने और इसमें हमने ढाई कप दूध डाल देना है ऑलमोस्ट करीब 500 सौ के करीब मैंने दूध लिया है यहाँ पे तो हमें दूध को उबाल लेना है तो जब इसमें उबाला आ जाएगा उसे देखिए दूध हमारा उबल गया है तो इसे थोड़ा सा हिला देंगे हम और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीठा तो यहाँ पे मैंने मिश्री ली है आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं तो हाफ अ कप मैंने मिश्री ली है यहाँ पर और इसे मैंने साबुत ही डाल दिया है क्योंकि जब तक हमारे सारा प्रोसेस होगा खीर बनने का तब तक मिश्री भी अच्छे से घुल जाएगी इसमें तो यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया मैंने अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे ये पाउडर मिल्क ये देखिए यहाँ पे टू टेबल स्पून मैंने इसे पाउडर मिल्क लिया है इससे जो हमारी खीर है ना बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होगी तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारे को इसमें इसमें कोई भी गुठलिया नहीं रहनी चाहिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो पोहा का पाउडर जो हमने बना के रखा था और साथ ही में हमने इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देना है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे कुक करना होगा करीब आठ से दस मिनट में इसी टाइम में हमारी सारी चीजें अच्छे से कुक भी हो जाएंगी हमारा दूध जो है वो थिक भी हो जाएगा और मिश्री जो है वो घुल भी जाएगी तो ये देखिए दस मिनट बाद जो हमारी खीर है वो कुछ इस तरह से हमारे को दिखने वाली है जैसा आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है और साइडों में ये जो मलाई बन गई है ये जो मावा जैसा आपको दिख रहा है इसको भी हमने क्रेप करके वापस खीर खीर में ही डाल देना है है जिससे कि हमारी जो खीर है, वो बहुत ही अच्छी थिक और क्रीमी बनके तैयार होगी तो जैसा आप देख सकते हैं खीर हमारी बनके तैयार हो गई है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे मैंने खीर को ना ट्रांसफर कर दिया है इस बाउल में इसके बहुत सारे फायदे हैं स्किन बोन हेयर सभी के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है और अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी ये केवड़ा वाटर जिससे कि जो हमारी खीर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और आखिरी में हमारी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है गोंद कतीरा हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे चार से पांच चम्मच आप इसमें गोंद कतीरा ऐड कर सकते हैं गोंद कतीरा को कभी भी कुक नहीं किया जाता है जब हम रेसिपी बना लेते हैं तो उसे लास्ट में ऐड कर लिया जाता है तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए तो आधे घंटे बाद लीजिए हमारी खीर बनके तैयार है बहुत ही डिलीशियस और यमी है और इसे आप गार्निश कर सकते हैं अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ यहां मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूं ये देखिए लग रही है ना एकदम यमी और डिलीशियस तो अगर आपको भी गर्मियों में लू लग जाती है या नक्सी छूटती है माइग्रेन या सर्वाइकल आदि की परेशानी है तो इस गोंद कतीरा को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा आपको बहुत फायदा होने वाला है साथ ही इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी और अगर आप और इसी तरह की रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह बाय